खबर अमरोहा से है, जहां पर एक बच्चे का अपहरण किया गया था 12 मई को और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर कई नेता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को दहाड़स बताया। पुलिस फिलहाल इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जबकि आरोपी का पिता खुलेआम चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मेरे बच्चे को इन लोगों ने मारा है। हम दिखाते हैं आपको पूरा मामला। किसी को पता है तो तुम्हारे लड़के को जान से मारते हैं। अशोक ने और वो प्रतीप है, नाम तो इन्होंने नहीं बताया था उससे, लेकिन अब खुली है बात। आपके पास फिरौती के लिए कॉल आया था? कॉल आया था। पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा पुलिस को नंबर दे दिया था टेस्ट करने के लिए। पुलिस की मेरे साथ पुलिस में कोई कमी नहीं है। बैठक क्यों मना कर रहे थे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम और अखबारों में जाते निकले और वो कितने सीधा काम कर बैठे। पुलिस ने बात कि उल्टे सीधा वो काम करते हैं। इन्होंने तो ये करा कि लड़के को मेरे को ले जाते उसी टाइम ले जाते और फाटक पे ले जाके उन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल करा मेरे सामने। शाम को ऋषिपाल सैनी का लड़का प्रिंस नुमाइश में घूमने गया था, वहाँ से ये गायब हो गया। ये लोगों ने तलाश किया, नहीं मिला। उन्होंने इस तारीख को इसका मुकदमा थाना कोतवाली में लिखा गया। इसके बाद से पुलिस ने अपना प्रयास शुरू किया इसको रिकवर करने का। 19 तारीख को शाम को 3 बजे ऋषिपाल के मोबाइल पे 12 लाख रुपए के फिरौती की मांग की सूचना इनको प्राप्त हुई। इसके जानकारी होने पर पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच और कोतवाली सीओ धनोरा को लगाया गया और पुलिस ने लगातार इसमें मेहनत करके पूरे मामले का पर्दाफाश किया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी निशानदेही पे जो उनका लड़का था उसको, क्योंकि वो पहले ही मार चुके थे 18 तारीख को, इसलिए हम लोग उसको अफसोस रहा कि हम जिंदा बरामद नहीं कर सके, लेकिन उसको बॉडी बरामद कर ली गई और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। TNG न्यूज ब्यूरो अमरोहा उत्तर प्रदेश।